नमस्कार दोस्तों, ये गुड़हल का पेड़ है। आइए आज आपको बताते हैं कि आप कौन कौन से पेड़ को पानी में आप लगा सकते हैं, उसमें जड़ निकल सकती है, आप उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये देखिए पानी में जड़ निकला हुआ है और इसको आप ऐसी जगह रखिए जहाँ सनलाइट हल्के से आती हो, मतलब खिड़की के पास। और ये पानी में इसलिए लग सकता है क्योंकि पानी में लगने से कई फायदे होते हैं। जड़ जल्दी निकलती है, जैसे आपको टाइम नहीं, आप कहीं से ले आए पेड़ और उसको आपने डाल दिया पानी में, वो लगने लगा, जड़ डेवलप होने लगा, और फिर जब आपको टाइम मिलेगा फिर आप उसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हो गमले में। तो इसीलिए पानी में लगाया जाता है पेड़ों को और आपका पेड़ बन जाएगा अच्छे से। और ये प्लांट है कोलियस। कोलियस आप जानते होंगे, इसी अपने आप में एक हट के है पेड़। ये बगैर फूल के भी खूबसूरत लगता है। इसमें बहुत सी प्रजातियां होती हैं जो आम तौर पर हमें जो है गार्डनों में मिल जाती है। ये पानी में भी जड़ निकल आता है ये, और इसको छोटी छोटी कटिंग आप मिट्टी में भी सेंड में भी लगा दीजिए तो डेवलप हो जाता है। और इस तरह से आप ढेरों सारे पेड़ प्रोपोगेट करिए और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसको बांटिए। बहुत ही प्यारा लगता है इसका पत्ती। और अब आता है तीसरा पेड़, ड्रेसिना। ड्रेसिना की जी लाल पत्ती और हरी पत्ती कई वेरायटी आती है, और इसमें जो है हरी सफ़ेद सेटदार भी पत्ती आती है। इसको भी आप पानी में, इसकी जड़ निकाल सकते हैं, पानी में रख दीजिए 15 से 20 दिनों तक और इसको खिड़की के पास रखिए, फिर देखिए कैसे इसमें जड़ निकाल आती है। मिट्टी में तो चांस कम रहता है, मगर पानी में 100% चांस रहता है जड़ निकलने का। और आप इसको जो है पेड़ बना सकते हैं आराम से। ये माली नहीं बताते नर्सरी के। इसके बाद आता है हमारा कनेर। ये कनेर तो आपको पार्कों में, रोड साइड एरियों में बहुत वैरायटी के मिल जाएंगे कनेर। इसको भी आप पानी में ला के लगा सकते हैं और रख सकते हैं खिड़की के पास। ज़्यादा धूप नहीं चाहिए इसको, बस पानी में डाल दीजिए। और आप ये करिए कि 8 से 10 दिन में इसका पानी चेंज करते रहिए। इससे ये होता है कि जड़ सड़ती नहीं। और कोशिश ये किया करिए कि पत्ती अंदर न रहे, इसे सड़े ना पेड़। सिर्फ स्टेम को अंदर रखें पानी में और 8 से 10 दिन में पानी बदल लिए। इसके बाद हमारा ये आता है तुलसी का पेड़। तुलसी का पेड़ तो हमारे घरों में हर जगह होता है। ये बहुत ही आयुर्वेदिक पेड़ माना गया है। इसका काढ़ा लोग पीते हैं, बहुत पसंद करते हैं लोग इसकी खुशबू से, और हर आदमी इसको लगाना पसंद करता है। ये राम और श्याम दोनों तुलसी आती है। ये तो राम तुलसी है, हरी वाली, श्याम होती लाल वाली, काली यानी। और इसको डंडी थोड़ी सी स्टेम काट के पानी में डाल दीजिए और आराम से इसका जड़ प्रोपोगेट हो जाता है और पेड़ बनाइए। इसके बाद आता है ये एलोवेरा का पेड़। एलोवेरा का पेड़ ऐसा होता है कि ये एक तरह से रूटीन हार्मोन्स इसमें होता है। आप जब पेड़ लगाते हैं तो इसकी पत्तियों को यूज़ करते हैं। और ये देखिए 25-30 दिन पहले डाला हुआ गया ये पेड़, और इसमें जड़ बढ़िया निकल आई है। भूल कर भी आप पत्तियों को मत डुबोइए, सिर्फ जड़ के एरिया को, नीचे नॉट एरिया को डुबोइए और प्रोपोगेट होगा जड़, और पेड़ बनाइए आप सुविधापूर्वक। और दोस्तों ये बहुत बढ़िया पेड़ होता है, आप धूप में भी डाल दिए, केयरलेस पेड़ होता है। पानी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए, आप लगा के रख दीजिए। इसके बाद आता है रबड़ प्लांट। ये हमारे गार्डन में या डाइनिंग रूम में इसको रख दीजिए सेंटर टेबल पे। बहुत ही प्यारा प्लांट होता है। बारिश के दिनों में इसमें रूप निकल आती है। और इसको आप जड़ निकालना चाहते हैं तो अर्धा टाइम में भी आप इसको जो है ला कर कलम रख दीजिए 6 से 7 इंच की, और ये प्रोपोगेट हो जाते हैं। और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस 8 से 10 दिन में पानी चेंज करते रहिए। और इसके बाद आता है हमारा पेड़ पर्पल हार्ट। ये पेड़ बहुत ही प्यारा होता है। ये आप बास्केट में लगा के रख सकते हैं, ये लटकने में बहुत बढ़िया आता है। पानी में डालिए इसको, इसके में भी रूट निकाल आती है, और इसको जो है पेड़ बनाइए आप, कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको। इसके बाद है ये नागफनी। नागफनी भी ये जड़ पानी में डाल दिए तब भी निकल आता है। अगर इसकी पत्ती भी बो दीजिए तो 25 से 30 दिन में पत्ती में भी किल्ले निकल आते हैं और पेड़ बन जाते हैं। ये एवरीफाई पेड़ होता है। ये हवा को बहुत शुद्ध साफ करता है। पीपल के बाद इसी को माना जाता है, फिर तुलसी को। और बहुत बढ़िया लगता है ये पेड़। ये छोटे ड्राप भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं ये। दोस्तों
आज दुनिया में इतनी ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड फैल रही है, हर आदमी को पेड़ लगाना चाहिए। ये पेड़ लगाने में आपको केयर भी नहीं करना पड़ेगा, पानी लगा डालिए ना डालिए अपने आप चलते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। इसके बाद आता है विनका या सदाबहार, ये कई प्रजातियाँ होती हैं इसकी, ये देसी प्रजाति है। देसी प्रजाति आप पानी में जड़ निकाल सकते हैं मगर विलायती की जड़ नहीं निकलती है। उसके लिए आपको उसकी जो है बीज या फिर जो है उसकी कलम माली द्वारा बनाई हुई होती है वही लगती है। मगर ये देसी सदाबहार आप पानी में डालिए 15-20 दिन और इसमें जड़ निकाल आती है और आप पेड़ बना के गमले में लगा दीजिए। ये देखिए 10-12 दिन पहले लगाया हुआ विनका का इसमें जड़ निकला हुआ है और ये पेड़ बहुत प्यारा होता है। ये शुगर में काम आता है और बहुत ही अच्छा इसको माना जाता है, इसके फूल को। इसके बाद आता है डेविल्स बैकबोन, ये डेविल्स बैकबोन है और एक आती है इसकी वैरायटी, पूरी पत्ती ग्रीन हरी रहती है और ये तो शेडेड है। ये भी जड़ निकल आती है पानी में डालने से, मैक्सिमम 20-25 दिन में इसकी जड़ डेवलप हो जाती है मगर आपको पानी को बदलते रहना है 8-10 दिन में। इससे ये फ़ायदा होता है कि पानी जो गंदा हो जाता है उसमें स्टेम सड़ने लगती है और पानी बदलने से स्टेम नहीं सड़ेगी। इस तरह से आप इसको जो है बना सकते हैं पेड़ और ये दोस्तों में या परिवारों में बांट सकते हैं और आप जो है अच्छा पेड़ बना सकते हैं। इसके बाद आता है विनका सदाबहार, मिनोनिया जिसको बोलते हैं, इसको कई नामों से जाना जाता है, पोटुलका, 10 o'clock, बिच्छी बेल, नौबजिया, बहुत से नाम इसके आते हैं। ये देखिए इसको भी मैंने पानी में डाला था और ये 6-7 दिन में ये ग्रो हो गए इसमें जड़। इसकी एक पत्ती भी आप बो दीजिए तो जड़ निकल आती है रिवर सेंड में। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि आपके नॉलेज बढ़े और आपका गार्डन हरा भरा रहे और आप कम से कम पैसे में अपने पेड़ को गमले गार्डन को सजा सकें, आपको पेड़ खरीदना ना पड़े। मेरा यही उद्देश्य है कि आप जो है कम से कम बजट में अपने गार्डन को अच्छा हरा भरा कर सकें। दोस्तों कल मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।